दोस्तों, साल 2022 खत्म होने में अभी 2 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है। इस साल भारत सबसे तेजी से ग्रो करने वाली दुनिया की मेजर इकोनॉमी बनने वाला था, लेकिन हमें एक देश ने पीछे कर दिया है। मगर इसके बावजूद भारत ने बाकी सभी G20 सदस्य देशों को पीछे करने में सफलता पाई है। भारत को अगर छोड़ दे तो बाकी दुनिया के सभी देश इस समय अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छे से बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहे हैं। आपको याद होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के पहले क्वार्टर में COVID-19 महामारी के कारण भारत की GDP -23% नीचे आ गई थी, जो कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट थी। ये डाटा आने के बाद भारतीय सरकार की काफी आलोचना हुई थी, और अगर आलोचना हुई थी तो श्रेय तो मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय सरकार ने अब ऐसा काम करके दिखाया है जो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और फ्रांस जैसे देश करने में पूरी तरीके से फेल हुए हैं। भारतीय सरकार की आर्थिक नीतियों के बदौलत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत ने अपनी आर्थिक रफ्तार वापस से पकड़ ली है, और जो डाटा सामने निकल कर आ रहा है वह किसी लोकल या फिर भारतीय सरकार की एजेंसीज द्वारा रिलीज नहीं किया गया है, बल्कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड द्वारा रिलीज किया गया है, जो अमेरिका बेस्ट 190 देशों का इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। दरअसल IMF ने इस साल 2022 के लिए GDP ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन का फ्रेश डाटा रिलीज कर दिया है। रसिया यूक्रेन युद्ध और महंगे एनर्जी प्राइसेज ने सभी देशों की GDP ग्रोथ रेट को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित किया है, जिसके चलते IMF को फ्रेश असेसमेंट करनी पड़ी है, में बताया गया है कि इस साल कौन से देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करेगी और किसकी नहीं। IMF का डाटा पूरी तरीके से इम्पार्शियल और पूरी तरीके से रियल कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड होता है, जो 99% सही माना जाता है, और दुनिया की कंपनीज इस डाटा को कंसीडर करती हैं और इसको मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर के लिए अपने इन्वेस्टमेंट प्लान बनाती हैं। IMF के मुताबिक साल 2022 में भारत का GDP ग्रोथ रेट दुनिया की सभी मेजर इकोनॉमीज में सबसे हाईएस्ट रहने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में अमेरिका की GDP मात्र 1.6% से ग्रो करेगी, जर्मनी की GDP 1.5% और फ्रांस का GDP ग्रोथ रेट 2.5% रहेगा, जापान 1.7% जबकि यूनाइटेड किंगडम की GDP 3.6% से ग्रो करेगी। कनाडा की बात करें तो कनाडा 3.3% से ग्रो करेगा, जबकि चीन का ग्रोथ रेट 3.2% रहेगा। रसिया का ग्रोथ रेट इस साल नेगेटिव में रहने वाला है। IMF ने प्रेडिक्ट किया है कि रसिया की GDP -3.4% से नीचे गिरी, और इन सब में सबसे ऊपर भारत का नाम है, लेकिन टॉप पर नहीं, क्योंकि मेजर इकोनॉमीज में भारत को एक देश ने बीट कर दिया है। IMF के मुताबिक साल 2022 के लिए भारत का GDP ग्रोथ रेट 6.8% रहने वाला है, जो कि दुनिया भर के मेजर डेवलप्ड और मेजर डेवलपिंग देशों में सेकंड बेस्ट है, क्योंकि भारत को सऊदी अरब ने पीछे किया है। IMF के डाटा के मुताबिक सऊदी अरब की GDP इस साल 2022 में 7.6% से ग्रो करेगी, यानी भारत से भी तेज स्पीड से। न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि सभी क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर देश बढ़े हुए क्रूड ऑयल प्राइस का फायदा उठाने में इस साल सफल रहेंगे, लेकिन IMF ने यह भी कहा है कि अगले साल भारत सऊदी अरब को पीछे करके अपना टॉप स्पॉट एक बार फिर से हासिल कर लेगा, क्योंकि साल 2022 में भारत का GDP ग्रोथ रेट 6.1% रहेगा, जबकि अगले साल सऊदी अरब मात्र 3.7% से ग्रो करेगा। खुशी की बात यह है कि भारत इस साल और अगले साल 6% से भी ऊपर की GDP ग्रोथ रेट मेंटेन करने में पूरी तरह से सफल रहेगा, जिसमें अभी दुनिया के तमाम देश फेल हुए हैं। पिछले साल भारत ने 2021 में 8.7% से ग्रो किया था। इस साल भारत का ग्रोथ रेट पिछले साल के मुताबिक थोड़ा सा कम है, लेकिन जिस हिसाब से दुनिया की कंडीशन चल रही है उस हिसाब से 6.8% की ग्रोथ रेट दुनिया में बेस्ट मानी जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को COVID-19 से बाहर निकाल कर मेंटेन करने में सफल रहा है या फिर नहीं?